हेलो बच्चों, व्यंजन में हमने त थ द ध न प फ। अभी हम लिखेंगे इकाई बी, यानी कि ब। ब कैसे लिखना है देखते हैं। ब कैसे लिखना है? ब से क्या होता है? ब से होता है बतख। देखो, ये थोड़ा मोड़ना है, जैसे गुजराती का व लिखते हैं उसी तरह से हम करेंगे। ये व, अभी उसके बीच में हमको एक क्रॉस लाइन खींचनी है। ये सर्कल, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग और स्लीपिंग, ये बन गया हमारा ब। ब से होता है बतख, ब से होता है बड़बड़, बतख यानी कि डक, ब से होता है बच्चे, ब से होता है बहन, ब से होता है बोलना, ब से होता है बचन, ब से होता है बकरी, ब से होता है बोलना, ब से होता है बच्चे, ब से होता है बीर, ब से बकरी, ब से बतख, ब से बरगद का पेड़। तो अभी हम इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ब के नीचे रेखा खींचो। क्या लिखा है? बस। तो यहाँ पर ब के ऊपर सर्कल करना है। उसके बाद है बरगद। बरगद का पेड़ होता है, बहुत ही बड़ा होता है ब। उसके बाद है बच्चा। तो यहाँ पर ब के ऊपर सर्कल करना है। उसके बाद है बकरी। तो यहाँ पर ब, तालाब। तो ब के ऊपर सर्कल करना है। तो हमने क्या लिखा? ब। ब से बहुत सारे शब्द बनते हैं। आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, ब से आपको टैन शब्द ढूंढकर लिखने हैं। सिंपल वर्ड्स जैसे बस, जैसे बरगद, जैसे बतख, जिसके अंदर कोई भी मात्रा नहीं हो, ऐसे सिंपल वर्ड्स आपको लिखने हैं और मुझे भेजने हैं। आपको CW बुक में भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। और आप जब लिखते हैं तो बहुत ही अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना चाहिए, है ना बच्चों? अभी तो आप हिंदी बहुत अच्छी तरह से लिखना जान चुके हैं।